हाल ही में कर्नाटक सरकार के एक मंत्री द्वारा वीर सावरकर को लेकर एक टिप्पणी की गई थी, जिसमें वे बोले कि सावरकर गोमांस खाते थे, गाय को सिर्फ पशु मानते थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस बोले कि उन्हें सावरकर के बारे में कुछ नहीं पता है। सावरकर ने गाय पर अपने विचार सही तरीके से व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा कि गाय जन्म से लेकर मृत्यु तक किसान की मदद करती है, इसलिए हमने गाय को देवी का दर्जा दिया है। सावरकर के बारे में गलत बयानबाजी की शुरुआत राहुल गांधी ने की है और इसे अन्य नेता भी आगे बढ़ा रहे हैं। काहींना तो ताण वाटत असेल, आम्हाला तो ताण वाटत नाही, आम्हाला लाडक्या बहिणींना करा तळण्याची मदत आहे। कर्नाटक सरकार के मंत्री है दिनेश गुंडूराव, उन्होंने कहा कि सावरकर गोमांस खाते थे, वो गाय को केवल पशु मानते थे। देखिए ये लोग जो है इनको सावरकर के बारे में कुछ पता नहीं है, ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं और सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान के जन्म से लेकर मरने तक गाय ये उसको मदद करती है, इसलिए हम लोगों ने गाय को एक ईश्वर का दर्जा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना, ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास।